समझे। बाबू तो है नहीं आ गए, कोरोना से डर गई है। देखिए लॉकडाउन बढ़ाना तो हक में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। झारखंड में जब से लॉकडाउन लगा है लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन बढ़ाने का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन कुछ शर्तें के साथ होनी चाहिए। कुछ वैसे मजदूर जो प्रतिदिन कमाते थे, प्रतिदिन खाते थे, तो आप देखे होंगे कि रांची शहर में ही कई जगह मजदूरों का जमावड़ा लगता था और वहाँ से मजदूर विभिन्न जगहों पर, किसी का अपना व्यक्तिगत घर का काम चल रहा है, चाहे अपार्टमेंट का काम चल रहा है, लोग विभिन्न स्थानों गंतव्य स्थान पर लोग जाते थे और अपना रोजी रोटी करते थे, भरण पोषण करते थे। वैसे मजदूरों के सामने आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि एक कोई जाता है तो पहले से जिसका फिक्स नहीं है उनके साथ समस्या आ रही है। मान लीजिए बहुत से जो रेगुलर काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें तो ठीक है, लेकिन जो डेली के मजदूर हैं उनके सामने समस्या उत्पन्न हो गई है। उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए, उन्हें रोजगार कैसे मुहैया जाए, वैसे लोगों को छूट मिलना चाहिए। और जहाँ तक लॉकडाउन में सख्ती का सवाल है, सख्ती भी उसी ढंग से होना चाहिए। ये भी पता लगाना चाहिए कि हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे पुलिस प्रशासन है, जो पैसे के लालच में अननेसेसरी, मैंने जिसका पास है उन्हें भी तंग करना, उन्हें भी रोकना, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन लॉकडाउन हमारे ख्याल से निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि ये सुरक्षा सप्ताह एक सप्ताह और बढ़ जाए, स्थिति सामान्य हो जाए, उसके बाद लॉकडाउन टूटना चाहिए। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार, चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।